आज हम सभी भाई आस्था के दूसरे रविवार को प्रवेश किए हैं और आज जब हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए याद कराने के लिए एकत्र हुए थे हमारे बीच में हमारे ईश्वर स्वामी आज के विश्व रविवार को अपने कर्तव्यों से अपने के लिए अर्पण करेंगे। साथ में आज तेरे तेज कुछ आकांक्षा प्रेरणात्मक को अपने बच्चे के लिए बपतिस्मा दिला रहे हैं। हम बच्चे के लिए और उनके माता पिता एवं धर्म माता पिता दीपक कुछ और मनीष अक्षर के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि वे भी अपने व्यवहार से कामों से उस बच्चे को और उनके माता पिता को कृष्ण आचरण करने और कृष्ण के अनुष्ठान करने के लिए उनको बच्चे को और माता पिता को प्रभुत सकते। साथ में हम एक अभिलाषा है परमात्मा के निवेदन है उसको भी लेकर के आइए। आज ईश्वर को धन्यवाद दे दें ये तो अपने आप को तैयार करें और इस अभिदान को आगे बढ़ने में हमारे ईश्वर स्वामी को हमारे गुरु
जान ये आदमी यौवन में सदा आनंदित रहे, हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पूर्ण प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम विध भरोसे के साथ अपने पूर्णता की बात जोड़ते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। Thank you.
शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा आठ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था,
और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भूनी मछली का एक टुकड़ा दिया, उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबी में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई पासवा का तीसरा इतवार है और बार बार हमें यही संदेश दिया जाता है कि हमारे विश्वास प्रभु के परित्याग द्वारा हमें आता है। विश्वास एक बार हमें उसको प्रकट करना हमारा दैव बनना है हमारा पास। आज के पहले पार जो प्रेरितों के इतिहास से वहां बताया जाता है कि ये वही प्रेरित वही शिष्य जो इतने धरे हुए थे बड़े साहस के साथ यहूदियों को बोलते हैं, आप लोगों ने उसको मारा और ये जीता। और दूसरे पार्ट में संत पौलुस हमें बताता है कि प्रभु के मृत्यु और पुनरुद्धार के कारण हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हम शुद्ध हो गए हैं, प्रभु में जोड़े हुए हैं। और आज के सुसमाचार में वही पुनर्जीवित प्रभु अपनी उपस्थिति अपने शिष्यों को दिखाता है। तो इसी अवसर पे हम इस छोटा बच्चा आदिव दानियल को आज लाएंगे, उसको बपतिस्मा दे देंगे। और बपतिस्मा का मतलब यही है, जैसे पहले पाठ बोलता है, साहस के साथ मान लेना कि प्रभु हमारा सब कुछ है। साहस के साथ वो ही विश्वास जीना और साहस के साथ वो ही प्रभु को प्रकट करना। इसलिए क्योंकि जैसा दूसरा पाठ हमें बोलता है, वो ही प्रभु ने हमारा पापों का पश्चाताप किया और बपतिस्मा में ये सभी पाप जो हम हमारे इंसानियत रूप में इस बच्चा में है वो क्षमा हो जाएंगे और वो एक नया जीवन शुरू करेगा। बपतिस्मा में ही यही बच्चा कलीसिया का सदस्य बनेगा और सदस्य बनते हुए ही जो प्रभु की उपस्थिति
कलीसिया में होती है, सभी संस्कारों द्वारा ये बच्चे को अब से मिल पाएंगे। याद रखिए भाई और बहनों, बपतिस्मा के बिना परम प्रसाद नहीं ले सकते, पाप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, विधिकरण का संस्कार नहीं हो सकता है। कोई भी संस्कार कलीसिया में बपतिस्मा के बिना नहीं हो सकता है, और इसलिए ये सदस्यता इसमें प्रभु की उपस्थिति होती है, पहली उपस्थिति। मेरे प्यारे माँ बाप जो इस बच्चा को आज ला रहे हैं पूरे परिवार के साथ, बपतिस्मा दे के हम इस बच्चा को एक नया जीवन के रास्ते पे लाते हैं, लेकिन बच्चा अकेला इस रास्ते पे नहीं चल सकता है। अपनी बहन के लिए साहस की जरूरत होती है, अपना विश्वास जीने के लिए, विशेष करके आजकल के दुनिया में, न सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे विरोध आए, न सिर्फ इसलिए, लेकिन हमारे अंदर ही शैतान की दुश्मनी चलती रहती है। इसमें हमारा विश्वास जीना, आहट जीना, हमें प्रभु किसी बुलाहट को बुलाते हैं वो जीने के लिए हमें साहस चाहिए, प्रभु की उपस्थिति चाहिए, प्रभु का पवित्र आत्मा चाहिए। ये सब पहली बार हम पवित्र पवित्र स्नान में ग्रहण हो गया है। परम प्रसाद द्वारा प्रभु की खुद की उपस्थिति हमारे जीवन में हो, वो ही उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा विधिकरण संस्कार में हो, वही उपस्थिति जो बच्चे बादल बनते हैं, रोहित बनते हैं, उनको बड़ा से अभिषेक और जो शादी का संस्कार लेते हैं वो प्यार के संस्कार, पवित्र आत्मा की शुरुआत, उसके काम की शुरुआत और वो ही आए हमारी जिंदगी में चल रही है। इस बच्चा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको अच्छे स्वास्थ्य देते हुए अपने आशीर्वाद देते रहे, उसके परिवार के लिए कि प्रभु के बीच उपस्थित होते उनको आशीर्वाद देते रहे, और हम सबके लिए कि प्रभु की आशीष के साथ, प्रभु के आशीर्वाद के साथ, प्रभु की सहायता के साथ, मदद के साथ हम अच्छे प्रभु की शेष करते रहे और हमारी गुलाहट प्रभु के सामने मजबूत कर। अभी सुबह होगी श्री माता पिता बच्चे के माता पिता और हमारे स्थान में आएंगे, और अभी हम सभी कोई बपतिस्मा का बुलाते हैं बच्चे के माता पिता के साथ और अपना विश्वास उसी में प्रकट करते हैं बपतिस्मा के माध्यम से। प्रिया माता पिताओं, आप सबके लिए बड़े आनंद का दिन है। सबसे पहले यह ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है क्योंकि अपने ईश्वर से एक नए मनुष्य को जीवन दिया है, या कितना अधिक है कि ईश्वर हम श्रेष्ठ मनुष्यों को सृष्टि के कार्य में सहभागी बनाता है।
इतना ही नहीं, आपके बच्चे, आपका बच्चा आज ईश्वरीय परिवार तथा कृष्ण के सदस्य का सदस्य बन जाएगा। यही भक्ति माता है। ऐसा दिन है जब आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है। आपका बच्चा वो अभी इस विश्वास में प्रतिज्ञा दिया जाए जिसे आप घोषित करने वाले हैं। आपके जो विश्वास अभी आज इन्हें मिलता है, इसी विश्वास में के बड़े पिता के बड़े तथा कलिसिया के सूर्यो के सदस्य बन जाए। इन्हें धर्म ठिकाना तथा उत्तम दृष्टिया आचरण का उदाहरण देना आप लोगों का कर्तव्य है। माता पिता, आप भी इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। आप इन्हें कृष्ण का सुसमाचार जानने तथा उसके अनुसार आचरण करने में सहायता दीजिए। आप उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और इस बच्चा को कलिसिया के गोद में सहज करें। आप लोग अपने बच्चों को बच्चा को कौन सा नाम देना चाहते हैं? आप अधीर दानियल के लिए ईश्वर की कलिसिया से क्या मांगते हैं? आप लोगों ने अपने बच्चा को बपतिस्मा देने का निवेदन किया है। ऐसा करने से आप लोग अपने बच्चों को कैथोलिक धर्म के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने का भार उठाते हैं कि आपके बच्चे, आपका बच्चा ईश्वर की आज्ञा माने, अतः ईश्वर तथा पड़ोसी को प्यार करें जैसे क्रिश्चियन सिखाया है। कि आपने इस जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं। क्या आप लोग इस बच्चा को, माता पिता को अपने कर्तव्य का पालन करने में सहायता देने को तैयार हैं? दानिया बुजुर्ग, क्रिश्चियन समाज बड़े आनंद से तुम्हारा स्वागत करता है। मैं इस समाज के नाम पर तुम्हें क्रूस की चिन्ह से अंकित करता हूँ। अभी के बाद तुम्हारे माता पिता और धर्म माता पिता तुम्हें मुक्तिदाता क्रिश के इसी चिन्ह से अंकित करते हैं। नया जीवन पाने वाले हैं, इनके माता पिता और धर्म माता पिताओं के लिए अपने प्रभुवर यीशु क्रिस्त से दया याचना करें। ये प्रभु अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के प्रताप से तू इस बच्चा को बपतिस्मा द्वारा नया जीवन करने और अपनी कलीसिया के सदस्य बनाने की कृपा करें। ये प्रभु हमारी प्रार्थना सुन।
तू बपतिस्मा और दिव्य कलम के द्वारा इस बच्चा को अपने सच्चे शिष्य और सुसमाचार के साक्षी बना दे। तू इनका जीवन पवित्र बनाए और अपने राज्य का आनंद प्रदान करे। तू इसका माता पिता और धन पिता, धन माता धन पिता का कृष्य जीवन इस बच्चे के लिए ज्वलन आदर्श बना दे। तू इसका परिवार को अपने प्रेम में सदा बनाए रखे। तो हम सब में बपतिस्मा की कृपा नीत नवीन करता है। धन्य करो मरियम ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योसेफ, संत योहान बपतिस्मा, पेत्रुस और पौलुस, ईश्वर के सब संतों, सर्वशक्तिमान शास्त्रपति ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वे दुरात्म संतान की शक्ति हमसे दूर करे और मनुष्य को अंधकार से निकाल कर तेरे राज्य के अद्भुत अलोक में लाए। उससे हमारा निवेदन है कि इस बच्चा को आदि पाप के कलंक से मुक्त करते इसे अपने भव्य मंदिर बना ले कि इसमें तेरी पवित्र आत्मा निवास करे। इस कृपा कर हमारे लोगों में इसके द्वारा हे अपने मुक्तिदाता प्रभुवर यीशु क्रिस्त के नाम पर दानियल, मैं अपने मुक्तिदाता प्रभुवर यीशु क्रिस्त के नाम पर तुमको मुक्तिप्रद तेल से मलता हूँ। मैं अपने सामर्थ्य से तुम्हें बल प्रदान करें जो युगानुग जीते और राज करते हैं। माता पिता तथा धन माता पिता, जिस बच्चा को आप लाए हैं ये बपतिस्मा संस्कार में जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम में ईश्वर से नवजीवन प्राप्त करें, आप इसको ऐसी धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि ईश्वरीय जीवन पाप से कलिकृत न हो बल्कि प्रतिदिन विकसित होते जाए। इसलिए यदि आपकी धर्म भावना ऐसा उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देते हैं तो अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएँ लगाए और पाप का परित्याग कर प्रभु यीशु से मिल अपने विश्वास में करती कलिसिया का विश्वास है। इसी दिन बच्चे बपतिस्मा पाते हैं। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? और शैतान के सभी कार्यों का भी और उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु क्रिस्त पर जो ईश्वर के एकमात्र और हमारे प्रभु हैं
जो कुमारी मरियम से जन्मे हमारे लिए क्रूस पर मरे दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, आप विश्वास करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा पर पवित्र अति कलिसिया धर्मियों की संपन्न पापों की क्षमा शरीर की पूर्णता और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यह हमारा विश्वास है, यही कलिसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में सभिमान स्वीकार करते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि अभी धार्य कलिसिया के विश्वास में जिसे हम सब ने अभी अभी स्वीकार किया है बपतिस्मा ग्रहण करें? मैं तुझे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देता है। सरस्वती मनीश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता ने आपको पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान किया है। अधिकारी वही ईश्वर अब तुझे मुक्तिप्रद तेल से मिलता है। तू उसकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ और पुरोहित नबी तथा राजा इस शरीर का अंग बनकर अंत जीवन की सहभागी रहो। अधिदानियल तुझे प्रभु क्रिस्त को धारण कर नए प्राणी बन गए। वह उज्ज्वल बस तुम्हारे क्रिस्त या गौरव का चिन्ह है। अपने पड़ोसियों के वचन तथा आचरण को सहायता से तुम इस गौरव का आनंद जीवन तक निर्मल रखो। ज्योति ग्रहण कीजिए। हे माता पिता और धन माता धन पिता, यह ज्योति आपको सुप्रदीप की जाती है कि आप लोग इस प्रज्वलित रखें, इसे प्रज्वलित रखें। आपके नन्हे मुन्ने क्रिस्त से ज्योतिमय हो गए अधीर दानियल है।
फलक ज्योति के पुत्र की बांटी ये निरंतर आचरण करें, अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखे और जब प्रभु आवे तो सब संतों के साथ स्वर्ग भवन में इनका स्वागत करें। प्रभुवर यीशु ने बहरों की कान और गूंगों की वाणी दी थी, वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि तुम उनके वचन कान दो और पिता ईश्वर के प्रशंसागर में अपना विश्वास। ये है राजीव दानियल को प्रीस्ट बना।
Thank you.
और
संसार के पाप भर लेते हैं। कहने से जो मेरे के बोल में बुलाए गए
एक दिन हमारे एक गुरुदान अविनाशी महिमा प्राप्त हुए, जब संस्कार कर हमारे गुरु के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। बपतिस्मा के विशेष आशीष के लिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर धन्य वाले मरियम से प्रस्तुत अपने पुत्र के द्वारा क्रिस्तिया माताओं को आनंद से भर लेता है, क्योंकि उनके बच्चों को अनंत जीवन की आशा प्राप्त है। वह इस बच्चे की माता को आशीष दे जो अपनी संतान के लिए उसे धन्यवाद देती है। एक माता है, अपनी माता अपने बच्चों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देती है। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर लौकिक तथा अलौकिक जीवन की आधार इस बच्चा के पिता को आशीष दे कि माता पिता दोनों अपने सुख के सामने वचन तथा आचरण से कृष्ण के विश्वास के प्रथम साक्षी बने हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। सचिव प्रभु ईश्वर ने हम लोगों को जल का पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के लिए नया जन्म दिया है। अपने इन विश्वासियों को प्रचुर आशीष दे कि ये सदा और सर्वत उसकी प्रजा के सभी सदस्य बने रहे। वह यह उपस्थित सब लोगों को हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति प्रदान करे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। Amen.